हाय एवरीवन, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब तुम्हारे पास एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आ जाए, सो हाउ यू कैन यूटिलाइज देम एट द अर्लीस्ट, मतलब कि किस तरीके से तुम उससे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई वुड स्टार्ट विद केयर। व्हेनेवर तुम कोई सेट ऑफ स्किल्स सीख लेते हो, जैसे तुमने मान लो डेटा साइंस में तुमको इंटरेस्ट है, ठीक है, तुमने डेटा साइंस के बारे में सब चीज़ें सीख ली कि लाइक पाइथन सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, टैबलू वगैरह तुमने सीख लिया। ठीक है, अब अगर मैं सिमिलर चीज़ नॉन टेक्निकल के बारे में बात करूँ, सो हमारे तुमको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तुमने वीडियो एडिटिंग वगैरह की चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, थोड़ी बहुत सीख लिया, सो वाई नॉट जस्ट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग टू एज अ मॉनिटरी सोर्स फॉर यू, राइट? मतलब कि साथ ही साथ तुम उसके लिए फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो या अपना पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। दैट सो जो कि मैंने किया था, जो मैंने डेटा साइंस वगैरह सीख लिया था अपना बैक इन 2020, सो आफ्टर दैट मैंने अपना पर्टिकुलर कंप्लीट फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी विद द डेटा साइंस ओनली। तो उसमें आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स, आई यूज टू टेक ऑनलाइन वर्कशॉप्स, ऑफलाइन वर्कशॉप्स, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के साथ फ्रीलांसिंग बेस पे काम करना। सो दैट वॉज वॉट आई डिड इन द इनिशियल स्टार्टिंग टाइम ऑफ माइन। ठीक है, अब यार मुझे वो चीज़ें मिली कहाँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन दैट कम्स इन टू ऑल ऑफ योर माइंड इज कि चलो ठीक है, मैं काम भी कर लूँ, मेरे पास स्किल सेट भी है, बट फ्रॉम वेयर डू आई फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वर्क? ठीक है, अब यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीज़ें हैं इसके लिए। पहला तो है कि जो कि वेबसाइट्स, जो कि एप्स वगैरह बने हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें कि द क्लाइंट्स कम, वो अपने काम को, उनको जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने काम को लिस्ट डाउन करते हैं एंड वहाँ से यू जस्ट वो तुमको चूज आउट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर तुम उनका काम करते हो। पहला चीज़ ये होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होती है कि तुम प्रॉपर कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होकर उस रिस्पेक्टिव फ्रीलांसिंग टास्क को करते हो, राइट? अब अगर मैं पहली वाली बात करूँ क्लाइंट वाली, सो बहुत से प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी वेबसाइट्स, ऐप्स हैं, इन सब का यही काम होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल बन जाएगी। सिमिलरली बहुत सारे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स हैं ऑलरेडी, जस्ट तुमको करना क्या है, यहाँ से तुमको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड बेस्ड ओवर द एवरी सिंगल प्रोजेक्ट यू गेट द पे आउट। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट तुमको द क्लाइंट विल सेलेक्ट यू और नॉट, ठीक है, तुम्हारे ऊपर किसी और को प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूरी कम्प्लीटली चलती है। सो एज अ फ्रेशर, मतलब ये इन वेबसाइट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपल जो कि उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड जो मैंने बताया था, डायरेक्टली रीचिंग आउट द कंपनीज टू द फ्रीलांसिंग टास्क, अब वो तुमको लिंक्डइन से बहुत आसानी से पता चलता रहता है कि कौन सी कंपनी का कब फ्रीलांसिंग का रिस्पेक्टिव टास्क के लिए एप्लीकेशन निकले। जैसे कि तुम अगर बात करो अब ग्रैड की, गीक्स फॉर गीक्स की, ये सारी की सारी जितने भी कंपनीज है ना, ये साल में दो बार अपने एप्लीकेशन ज़रूर निकालती है फिर फ्रीलांसिंग टास्क, SME, TA, वीडियो कॉन्टेंट क्रिएटर, ठीक है, ब्लॉग राइटर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए निकालती रहती हैं। जैसे तुमको करना है कि इस चीज़ का ट्रैक रखना है कब कौन सी एप्लीकेशन आने वाली है एंड फिल इट अकॉर्डिंगली। अब द थिंग विच वर्कड आउट फॉर मी वॉज, मेरे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ काम करी थी वो थी लिंक्डइन ऑब्वियसली, बट लिंक्डइन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, बिकॉज मैं लिंक्डइन पे यूजुअली बहुत पोस्ट करती थी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम नॉट डूइंग, या मेरी क्या स्किल्स है, मैंने क्या प्रोजेक्ट किया, क्या नहीं किया, मैं हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी लिंक्डइन पे अपडेट करती रहती थी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड वहाँ पे मुझे देखना उन्होंने शुरू किया एंड दे डायरेक्टली रीच मी आउट फॉर अ फ्यू ऑफ द फ्रीलांसिंग टास्क, और ऐसे ऐसे वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, राइट? सो अगर तुम लिंक्डइन पे एक्टिव हो एंड यू हैव बीन पोस्टिंग अबाउट कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो चीज़ों को, सो श्योरली दिस विल टर्न आउट एज अ पॉजिटिव फॉर यू इन अ फ्यू। अभी कितना टाइम में तो लड़ाएगा एंड सेम कुछ दिनों में भी हो सकता है एंड विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ फ्यू मंथ्स ऑल्सो मे बी, राइट? बट वॉट यू कैन डू इज दैट कि लिंक्डइन पे जाके तुम सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ या पार्ट टाइम वर्क, ठीक है, ऑलरेडी निकले हुए हैं मार्केट में, तो यू कुड जस्ट गो अहेड एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर द सेम। ठीक है, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रोल्स के लिए बहुत निकलते हैं, तुम उनको आराम से जाओ और फिल करो वहाँ पे एंड फर्दर डू द नीडफुल जो भी उसमें रिक्वायर्ड अप है।
इसके साथ साथ देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट जो सर बताए तुमको जो कि अलाउ यू टू फिल आउट द एप्लीकेशन एंड गेट द फ्रीलांसिंग टास्क डन. तो उसके मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं विच इज़ तुमको मेरी इंस्टा सीरीज में मिल जाएगा. सारे 50 डेज क्वारंटीन इंटर्नशिप चैलेंज हो रही सीरीज जो मैं इंस्टाग्राम में चला रही हूँ. इंस्टा आई डी चांबवी _gupta4. जल्दी जाओ आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट चैनल विद चैलेंज विद मी. तो आज का जो वीडियो है, आज का जो रील है इंस्टा पे, उसमें नीचे डे जल्दी से 15 कमेंट कर देना एंड यू विल गेट दैट डॉक्यूमेंट इन योर डे. उस डॉक्यूमेंट सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है यार कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या क्या ऑफर करती है, कैसी कैसी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर. ठीक है, तो यू कैन जस्ट ईजली गो देयर और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यू कैन रेफर आउट एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद द सी. सो फिर दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि यार क्या करना है, कैसे करना है एंड हाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द फ्रीलांसिंग वाले टास्क में तुम कैसे शुरू कर सकते हो. सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट स्टार्टिंग, हाउ सून यू स्टार्ट. और जितनी जल्दी शुरू करोगे ना उतना ही बेनिफिट तुम्हारे लिए भी होने वाला है. विद इन दिस 50 डेज आगे जा करके यू विल जस्ट गेट समथिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप वगैरह ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा एज अ पता है ये एज अ एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए ऐड हो जाएगा. ठीक है, मतलब तुमने कुछ तो काम किया है पहले, ये चीज़ ऐड हो जाएगी. सो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू टू स्टार्ट एंड गो अहेड विद द सेम. सो फिर ये चीज़ क्लियर हुई होगी यार कि कैसे करना है, क्या करना है एंड कौन सी वेबसाइट्स हैं, अगर लिंक्डइन के थ्रू जाना है तो कैसे जाना है. तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जस्ट फॉलो द मेथड जो भी तुमको ठीक लगे एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर द पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांसिंग में स्टार्ट कर लो अपनी जर्नी करियर. धीमे धीमे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल ग्रो टू अ गुड एक्सटेंट, राइट. सो फिर ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टा एंड साइडी शामवी _gupta4 एंड इन यूट्यूब वाली वीडियो को लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो.